आज हम सभी कार्यकर्ताओं को गर्व है। और गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा, कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया, उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए विभिन्न वर्गों। आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल TD न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। तुरंत इस संयुक्त कार्यकारिणी का समापन हुआ है। आप सबकी सुविधा के लिए हम लोग उस समारोह भाषण के एक मिनट के अंदर आपके बीच उपस्थित है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, मुख्यालय प्रभारी और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद श्री अरुण सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड से राज्यसभा सांसद डॉक्टर समीर उरांव जी हैं। उनके बगल में हमारे बिहार भाजपा के मीडिया प्रमुख और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव रंजन जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय अरुण जी से कि आपको संबोधित करें। आदिवासी जनजाति समुदाय की महिला जो है राष्ट्रपति बनी है, इससे पहले दलित समुदाय के रामनाथ कोविंद जी देश के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति बने। ये दोनों चीजें तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी जी। इसके साथ साथ आज हम सभी कार्यकर्ताओं को गर्व है। और गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा, कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया, गांव गरीब किसान दलित शोषित इनके मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जो आज केंद्र सरकार चल रही है, देश के इतिहास में सबसे अधिक आदिवासी केंद्रीय मंत्री हैं। तो अभी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में दलित सबसे अधिक अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में। इसी प्रकार से पिछड़ा अगर सबसे अधिक है तो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की चल रही है। और तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से अधिक सबसे अधिक अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यह देश की आज़ादी के बाद पहली बार यह देखने को मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और गरीब किसान जो है आदिवासी शोषित वंचित एक सर्वोपरि एजेंडे पे है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, आपको कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा। 30-31 के दो दिन की इस संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता और इस बैठक का उद्बोधन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाने के लिए प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाए विभिन्न वर्गों को, विभिन्न समुदायों को, की वोटर्स को अपने से जोड़ने का काम किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उद्घाटन सत्र में कहा।